शनि देव को कर्म फल दाता कहा जाता है। सूर्य पुत्र शनि देव की स्थिति जिनकी कुंडली में अच्छी होती है उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति होती है, लेकिन शनि के प्रकोप से व्यक्ति को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं जिन जातकों पर शनि की साढ़े साती और ढैया चल रही होती है उनके जीवन में नौकरी, व्यापार और स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां लगी रहती है। ज्योतिष में शनि देव को प्रसन्न करने और शनि के प्रकोप से बचने के कई उपायों के बारे में बताया गया है। ज्योतिष के अनुसार शनि देव को सप्तधान यानी सात प्रकार के अनाज बहुत प्रिय है। इसमें सात तरह के अनाज जैसे गेहूं, जौ, चावल, तिल, कंगनी, उड़द और मूंग शामिल होते हैं। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शनि की साढ़े साती या ढैया होती है उन्हें शनि देव को सप्तधान जरूर चढ़ाना चाहिए। लेकिन शनि देव को सप्तधान क्यों पसंद है, आइए जानते हैं इससे जुड़ी कथा के बारे में। एक पौराणिक कथा है जिसके अनुसार शनिदेव एक बार चिंता में थे। उन्हें चिंता में देख नारद मुनि ने उनसे इसका कारण पूछा। शनिदेव बोले कि कर्मों के अनुसार उन्हें सात ऋषियों के साथ न्याय करना होगा, लेकिन इसके लिए पहले सात ऋषियों की परीक्षा लेनी होगी। नारद मुनि के सुझाव से शनिदेव ब्राह्मण का भेष धारण कर सप्त ऋषियों यानी सात ऋषियों के पास पहुंचे। उन्होंने ऋषियों संग स्वयं अपनी यानी शनिदेव की बुराई की, लेकिन सभी सप्त ऋषियों ने कहा कि शनिदेव तो कर्मों के फलदाता हैं और इस तरह से फल देना ही न्यायोचित है। सप्त ऋषियों से अपने प्रति ऐसी बातें सुनकर शनिदेव प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। तब सप्त ऋषियों ने एक एक अनाज से शनिदेव की पूजा की, इससे शनिदेव प्रसन्न हुए। शनिदेव ने कहा कि जो व्यक्ति सप्तधान से मेरी पूजा करेगा उसे मेरा प्रकोप नहीं झेलना पड़ेगा, इसलिए शनि की साढ़े साती या ढैया के प्रभाव से बचने के लिए सप्तधान चढ़ाने का विधान है। चलिए अब आपको सप्तधान उपाय के बारे में बताते हैं। शनिवार के दिन एक किलो सप्तधान के साथ आधा किलो तिल, आधा किलो काले चने, कुछ लोहे की कील और सरसों तेल को मिलाकर एक नीले कपड़े में बांध ले और इसे किसी शनि मंदिर में दान कर दे। ऐसा करने से शनि देव की कृपा से सारे कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार के दिन सूर्योदय से पूर्व या सूर्यास्त के बाद पीपल की पूजा करने से आपके ऊपर शनिदेव की कृपा के साथ ही लक्ष्मी जी की कृपा भी बनी रहती है। साथ ही पीपल को भगवान श्री कृष्ण ने अपना ही स्वरूप बताया है। शनिदेव भी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। ऐसे में शनिवार के दिन पीपल की पूजा करने पर वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।